हेलो एवरीवन, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑप्शन ट्रेडिंग डिटेल में सीखना। जैसे कि अब तक 11 एपिसोड में हमने इन्वेस्टमेंट सब कुछ सीख लिया है एंड आई थिंक अगर आपने सारे वीडियोस देखे हैं तो अब से आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। वैसे ही अब हम ऑप्शन ट्रेडिंग सीखने वाले हैं एंड इतना मैं मेक श्योर कर सकता हूँ कि ये पूरा सीरीज देखने के बाद आपको और कोई कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है या फिर कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है ऑप्शन ट्रेडिंग के रिलेटेड। यहाँ पे मैं आपको ऑप्शन बाइंग सिखाऊंगा, ऑप्शन सेलिंग सिखाऊंगा, यहाँ तक कि मैं आपके साथ एक स्ट्रेटेजी भी शेयर करूंगा जो कि एक स्कैल्पिंग प्लस एक इंट्राडे टारगेट ट्रेडिंग वाली स्ट्रेटेजी रहने वाली है। यानी कि इन शॉर्ट आपको इस सीरीज के थ्रू सारा नॉलेज मिल जाएगा एंड आप एक ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ वो सारे टर्म्स शेयर करने वाला हूँ, उनके मीनिंग शेयर करने वाला हूँ जो ऑप्शन ट्रेडिंग में हम यूज़ करते हैं। उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी दिखाऊंगा कि किस तरह से ट्रेड करना है लाइव मार्केट में। अपना लाइव ट्रेडिंग वीडियो भी आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग का मीनिंग क्या होता है, क्योंकि बहुत लोगों ने ये तो बता देते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग करना कैसे, लेकिन एक्चुअली हमें इसका मीनिंग भी पता होना चाहिए। अब देखो, यहाँ पे मुझे एग्जैक्ट ईयर तो नहीं पता कि कब ऑप्शन ट्रेडिंग इंडियन स्टॉक मार्केट में इंट्रोड्यूस हुई, लेकिन इसके पीछे एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एक फंडा है। ऑप्शन ट्रेडिंग स्पेशली उनके लिए इंट्रोड्यूस की गई थी जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, एंड इसका मेन रीज़न था कि उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया है उस पर हेजिंग हो पाए। अब हेजिंग वर्ड भी आपके लिए शायद एक न्यू वर्ड होगा। इसका मीनिंग होता है कि आपका जो लॉस होने वाला है उसको हम एक सर्टन लिमिट तक कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि मान लो अगर किसी इन्वेस्टर का 1,00,000 तक लॉस हो सकता है, लेकिन विद हेजिंग वो शायद हम रिड्यूस कर सकते हैं 50,000 तक या फिर 40,000 तक। तो यहाँ पे जो हेजिंग वाला वर्ड है वो काम आता है। लेकिन अब ये कैसे यूजफुल होता है, जैसे कि देखो यहाँ पे कोई एक इन्वेस्टर है एक्स वाई जेड, उसने क्या किया, रिलायंस के अंदर इन्वेस्टमेंट करके रखा है। कितना हो सकता है, 1,00,000 रुपीज हो सकता है, कितना भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। अब यहाँ पे क्या होगा उसका इन्वेस्टमेंट का, अगर मान लो रिलायंस ऊपर गया तो उसका प्रॉफिट होगा 1,00,000 के ऊपर 5% 10% या 20% डिपेंडिंग ऑन मार्केट प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो रिलायंस गिरने लगता है, नीचे आता है, इसका मतलब अब इस इन्वेस्टर का पैसा लॉस होना शुरू होगा। 1,00,000 से शायद उसका 90,000 बच जाए, शायद 80,000 बच जाए, यानी कि उसका पैसा लॉस हो रहा है। तो इस कंडीशन में ऑप्शन ट्रेडिंग इंट्रोड्यूस की गई थी कि आप एक काम कर लो, आप ऑप्शन जो होते हैं, एक होता है कॉल एक होता है पुट, इनका मीनिंग भी आपको मैं समझाऊंगा। फिलहाल मैं आपको सिर्फ ऑप्शन ट्रेडिंग क्यों इंट्रोड्यूस किया था वो समझाता हूँ। तो यहाँ पे इस जगह पे वो इन्वेस्टर क्या कर सकता है, वो पुट को खरीद सकता है। एंड यहाँ पे क्या होता है, जब मार्केट नीचे जाता है तब उसको पुट बाइंग में यानी कि पुट खरीदता है, तो यहाँ पे प्रॉफिट आता है। तो इसका मतलब अगर मान लो रिलायंस ऊपर गया तो इसका तो प्रॉफिट हो ही रहा है इन्वेस्टर का, लेकिन अगर मान लो रिलायंस नीचे गिर रहा है जहाँ पे उसको इन्वेस्टमेंट में लॉस हो रहा है, लेकिन पुट बाइंग में उसका प्रॉफिट होने लगेगा। तो अगर मान लो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में उसका 10,000 का लॉस होता है, तो पुट बाइंग में उसका शायद 5,000 का प्रॉफिट हो सकता है। इसका मतलब ओवरऑल अब उसको सिर्फ 5,000 का ही लॉस हो रहा है, जो कि पहले 10,000 हो सकता था, अब 5,000 का होगा क्योंकि उसने हेजिंग कर लिया था ऑप्शन को बाय करके। एंड इसीलिए ऑप्शन ट्रेडिंग को इंट्रोड्यूस किया गया था स्टॉक मार्केट में। लेकिन आजकल ट्रेडर क्या करते हैं, इस पूरे फंडा को तो यूज़ करते ही नहीं है, वो बस सिंपली ऑप्शन ट्रेडिंग ही करते हैं एंड स्पेशली ऑप्शन बाइंग करते हैं ताकि प्रॉफिट बना पाए। भले ही उनका इन्वेस्टमेंट है या फिर नहीं है, हम ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं, ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं। तो आप समझ गए कि किस तरह से इसको इंट्रोड्यूस किया गया। अब आपको मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि बिगिनर को थोड़ा बहुत समझना मुश्किल होता है, तो आपका एक एक्स्ट्रा मिनट लेता हूँ, लेकिन मैं आपको सेम एग्जांपल फिर से लेमैन वर्ड में समझाता हूँ। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, मान लो कोई एक फ्रेंड है एक्स वाई जेड एंड एक है पी क्यू आर, ठीक है, दो पर्सन है, पर्सन नंबर वन पर्सन नंबर टू। अब यहाँ पे क्या होता है, पर्सन नंबर वन है वो अपने फ्रेंड को 100 रुपीज उधार दे रहा है, लेंड कर रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे होगा क्या, या तो हो सकता है कि ये पी क्यू आर जो सेकेंड फ्रेंड है वो इसको वापस 100 रुपये दे देगा कुछ महीने बाद या कुछ साल बाद, यानी इसको वापस अपने 100 रुपये मिल गए। लेकिन एक दूसरा चांस भी होता है, जैसे कि मान लो फ्रेंड ने एक साल बाद में बोल दिया मैं तेरा पैसा खा गया, मैं तेरे को पैसा नहीं देने वाला, तो इस चक्कर में क्या होगा, इसका 100 रुपये का नुकसान हो गया। लेकिन इस कंडीशन में एक और क्या होता है, एक तीसरा पर्सन आता है एंड वो क्या बोलता है इसको, पर्सन एक्स वाई जेड को, कि भाई तू इसको ना 100 रुपये दे दे। मैं यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ, ये बोलेगा कि भाई तू इसको 100 रुपया दे दे, मैं गारंटी देता हूँ कि एक साल बाद में ये 100 रुपया वापस तेरे को रिटर्न कर देगा। लेकिन अगर मान लो इस बंदे ने मना कर दिया कि मैं नहीं दे रहा हूँ, तो इस कंडीशन में मैं तेरे को
₹50 दे सकता हूँ वापस, ये मेरी जुबान है। यानी कि अब तेरा अगर मान लो उसने वापस दे दिए ₹100 तो देखो वापस मिल गए विद इंटरेस्ट, लेकिन अगर मान लो ये बंदा मना कर देता है कि मैं नहीं देने वाला, तो उस कंडीशन में तेरे को वापस ₹100 तो नहीं दूंगा लेकिन कम से कम ₹50 तेरे को दे सकता हूँ। तो इस कंडीशन में थर्ड पर्सन ने इसका हेजिंग कर दिया है, भले ही उसका ₹100 तो वापस नहीं आएगा लेकिन कम से कम 50 तो आ रहा है, लॉस तो कम हुआ, ₹100 जाने के चक्कर में सिर्फ 50 ही जाएगा। तो दिस इज़ कॉल्ड हेजिंग एंड यही चीज़ सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ होता है। थोड़ा मैंने लेमैन वर्ड में आपको समझाया है, आई होप आपको एग्जांपल समझ में आया। कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि ऐसे एग्जांपल मैं आपको दूं या फिर थोड़ा इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर कुछ वर्ड्स होते हैं जिसको हम यूज़ करते हैं, जैसे कि ऑप्शन बाइंग एंड ऑप्शन सेलिंग। इसका मीनिंग क्या है? तो सिंपल है, देखो ऑप्शन बाइंग मतलब आपको ऑप्शन को खरीद सकते हो एंड ऑप्शन सेलिंग मतलब आप ऑप्शन को सेल कर सकते हो। लेकिन थोड़ा सा और समझने की ज़रूरत है। देखो हमेशा स्टॉक मार्केट में एक साइकिल चलती है जिसको हम बोलते हैं बाइंग एंड सेलिंग की साइकिल, एंड ये दोनों साइड पॉसिबल है। अगर आप किसी चीज़ को, किसी ऑप्शन को, किसी स्टॉक को पहले खरीद रहे हो तो उसको एग्जिट मारने के लिए आपको बाद में सेल करना पड़ेगा। यानी कि हम कुछ पहले खरीद रहे हैं उसके बाद सेल करना पड़ेगा, चाहे प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो। लेकिन स्टॉक मार्केट हम उल्टा भी कर सकते हैं, हम पहले कुछ सेल भी कर सकते हैं, भले ही हमारे पास कुछ है या फिर नहीं है हम उसको सेल कर सकते हैं लेकिन वो साइकिल कंप्लीट हो, इसलिए एट द एंड उसको बाय भी करना पड़ेगा। सिंपल है, फिर से समझाता हूँ। मान लो आपने रिलायंस के स्टॉक क्या किए, पहले खरीदे, 100 शेयर ले लिया या 200 ले लिया, आपने पहले इसको बाय कर लिया। अब इसमें चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, वो बुक करने के लिए उन शेयर्स को वापस आपको सेल करना पड़ेगा, ये तो सबको पता है। लेकिन स्टॉक मार्केट में उल्टा भी हो सकता है, भले ही आपके पास रिलायंस के शेयर है या फिर नहीं है, आप उसको पहले ही सेल कर सकते हो। आपके पास एक भी शेयर नहीं है लेकिन पहले भी शेयर कर सकते हो, उनको सेल कर सकते हो, एंड जैसे ही आपका प्रॉफिट या फिर लॉस जो भी हो तो इस साइकिल को कंप्लीट करने के लिए बाद एट द एंड आप उनको बाय करना पड़ेगा। सिंपल है, स्टॉक मार्केट में दोनों वैसे आप पैसा कमा सकते हो। तो वैसा ही है कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग में दो वर्ड होते हैं, एक तो बाइंग एक सेलिंग, आप चाहे बाय कर सकते हो या फिर ऑप्शन सेल कर सकते हो। एक और चीज़ याद रखना, हमेशा ऑप्शन बाइंग के लिए कैपिटल बहुत कम लगता है लेकिन ऑप्शन सेलिंग के लिए हमेशा कैपिटल बहुत ज़्यादा लगता है। इसका भी रीज़न है, वो भी आने वाले सीरीज़ में आपको मैं समझाऊंगा। जब ऑप्शन सेलिंग समझा रहा होगा तब आपको बेनिफिट्स बताऊंगा कि ऑप्शन सेलिंग के क्या बेनिफिट्स हैं एंड ऑप्शन सेलिंग इतनी महंगी क्यों है। एग्जांपल देता हूं, अगर मान लो निफ्टी 50 का एक ATM वाला ऑप्शन जो होता है उसको बाय करने के लिए आपको अराउंड 5K to 10K चाहिए, एग्जाम्पल ले लो, ठीक है। एक लॉट बाय करने के लिए 5,000 से 10,000 चाहिए निफ्टी का, लेकिन सेम लॉट को सेल करने के लिए आपको चाहिए अराउंड 1 लाख से लेके 1.2 लाख तक। सेम लॉट को अगर उसको खरीदना चाहते हो पहले एंड उसके बाद बेचना है तो आपको सिर्फ 5 से 10 हज़ार देना है, लेकिन आपको उल्टा करना है, पहले बेचना है उसके बाद खरीदना है तो आपको सीधा 1 लाख देना पड़ता है। सेम लॉट है, सेम स्ट्राइक प्राइस है, एंड ऑप्शन सेलर यहाँ पे ज़्यादा पैसा देता है तो उसको बेनिफिट्स भी होते हैं, वो हम सीखेंगे बाद में, ठीक है। तो पहले समझ में आ गया, ऑप्शन बाइंग भी कर सकते हैं, ऑप्शन सेलिंग भी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट, अब जो हमारे वर्ड्स हैं उनको हम बोलते हैं, एक तो कॉल, एक बोलते हैं हम पुट। अब ये सिंपल है, पहली बात आप एक और समझ लो, ऑप्शन ट्रेडिंग एक डेरिवेटिव होता है फ्यूचर एंड ऑप्शन, जो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखो फ्यूचर एंड ऑप्शन ये सब क्या है, ये डेरिवेटिव्स है कुछ सेगमेंट के। वो सेगमेंट हो सकते हैं हमारी इंडेक्स हो, जैसे कि निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, एंड ऐसे बहुत सारे इंडेक्स जैसे कि सेंसेक्स वगैरह, इंडेक्स के भी डेरिवेटिव होते हैं ऑप्शंस, एंड इक्विटी के भी होते हैं, जैसे कि आप रिलायंस का मैंने एग्जांपल दिया, रिलायंस हो गया, फिर टाटा हो गया, इनके भी ऑप्शंस होते हैं। क्योंकि ऑप्शन बेसिकली किस लिए, हेजिंग के लिए। जो रिलायंस को खरीद रहा है, रिलायंस के स्टॉक्स को, उसको हेज करने के लिए ऑप्शन खरीदना पड़ेगा रिलायंस का। जो इंडेक्स में फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं, जिसने फ्यूचर लेके रखा है इंडेक्स का, जैसे कि निफ्टी का, बैंक निफ्टी का, तो वो इंडेक्स वाले ऑप्शन को खरीद सकता है, क्योंकि ऑप्शंस एक डेरिवेटिव होता है इन सेगमेंट्स का। अब हम आते हैं फिर से वर्ड कॉल एंड पुट को। जब आपको लगता है कि जो निफ्टी है हमारी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वो ऊपर जाएगी, तो इसका मतलब आप क्या कर सकते हो, या तो निफ्टी का फ्यूचर बाय कर सकते हो, ये फ्यूचर क्या होता है वो भी आगे देखेंगे, या फिर निफ्टी का आप कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हो। इसको ध्यान से समझना, अगर आपको लग रहा है कि निफ्टी यहाँ से धीरे धीरे ऊपर जाएगी तो आपको क्या करना है, कॉल ऑप्शन को बाय करना है, क्योंकि जब निफ्टी ऊपर जाती है तो कॉल का जो प्राइस है वो भी ऊपर जाता है, आपका प्रॉफिट होता है।
लेकिन अगर आपको लगता है कि निफ्टी नीचे आएगी तो इस कंडीशन में भी आप प्रॉफिट कमा सकते हो, लेकिन आपको क्या करना है, पुट को बाय करना है। जब निफ्टी नीचे आती है तो पुट का प्राइस ऊपर जाता है। ये थोड़ा आई थिंक आपको समझने में प्रॉब्लम होगा, फिर से देखो। अगर आपको लगता है कि निफ्टी ऊपर जाने वाली है तो आप क्या करोगे, कॉल को बाय करोगे एंड कॉल का प्राइस ऊपर जाएगा, आपका प्रॉफिट होगा। लेकिन जब आपको लगता है कि निफ्टी है वो नीचे आने वाली है तो इस कंडीशन में आप पुट को बाय करोगे एंड पुट का प्राइस जो है वो ऊपर जाता है, आपका प्रॉफिट होता है। सिंपल है, मार्केट ऊपर जा रहा है तो कॉल को बाय करना है, मार्केट नीचे आ रहा है तो पुट को बाय करना है। ये है सिंपल ऑप्शन बाइंग। फिर हम यहाँ पे कुछ वर्ड यूज करते हैं जिनको हम बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, ऑप्शन बाइंग सिखा रहा हूँ तो अभी स्ट्राइक प्राइस भी आपको सीखना जरूरी है। तो मैं एग्जांपल लेता हूँ कि हम इंडेक्स के अंदर ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं, एन एग्जांपल लेता हूँ मैं निफ्टी 50 का। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होता है, अगर मान लो निफ्टी 50 अभी चल रही है 23,000। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ये ऊपर नीचे भी हो सकती है। तो जो 23,000 का ही लेवल होता है निफ्टी 50 में, 50 पॉइंट के लेवल ऊपर नीचे होते हैं। तो अभी देखो, अगर मान लो आपको निफ्टी 50 चल रही है 23,000 का, तो ये एक लेवल हो गया। फिर से आपको सिर्फ 50 पॉइंट ऊपर आपको मिल जाएगा 23,050 का, फिर और आपको यहाँ पे 50 पॉइंट का और ऊपर मिल जाएगा 23,100 का, एंड ऐसे आपको चलता रहेगा। ठीक है, नीचे भी सेम लेवल है 22,950 का, 22,900 का, 22,850 का, तो ऐसे 50 पॉइंट का गैप होता है। तो जहाँ पे निफ्टी 50 चल रही होती है उस लेवल को हम बोलते हैं ATM, एट द मनी। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एट द मनी का ये स्ट्राइक प्राइस है। ठीक है, जहाँ पे निफ्टी 50 चल रही होती है उसको हम बोलते हैं ATM, एट द मनी। एंड जो भी लेवल्स इस लेवल के ऊपर होते हैं प्लस में, ऊपर की साइड में, विद रिस्पेक्ट टू कॉल। ठीक है, अभी जो आपको बता रहा हूँ मैं सारे कॉल के हिसाब से बता रहा हूँ। तो जो भी ऊपर वाले लेवल है इनको हम बोलते हैं OTM, आउट ऑफ द मनी। ठीक है, मतलब क्या हुआ, जो लेवल सेम लेवल पे होता है उसको हम बोलते हैं ATM, एट द मनी, उसी जगह पे। एंड जो लेवल इसके ऊपर है 50 पॉइंट, 100 पॉइंट, 150 पॉइंट, 200 पॉइंट, जितने भी ऊपर वाले लेवल है वो सबको हम बोलते हैं OTM, आउट ऑफ द मनी, इस प्राइस से आउट है, बाहर है। एंड जितने भी लेवल्स नीचे 50 पॉइंट, 100 पॉइंट, 150 पॉइंट, 200 पॉइंट, इनको हम बोलते हैं इन द मनी, इन द मनी ITM। ठीक है, ITM, ATM, OTM, ये सारे हैं विद रिस्पेक्ट टू कॉल। एट द मनी वाला, सेम लेवल वाला एट द मनी बोलते हैं, इसके ऊपर वाले जो प्लस में आते हैं उसको OTM बोलते हैं, लेकिन इस लेवल के जो नीचे आते हैं उनको हम ITM बोलते हैं। दिस इज विद रिस्पेक्ट टू कॉल ऑप्शन। सेम उल्टा हो जाएगा पुट ऑप्शन के लिए। अब देखो ATM तो सेम है, ATM रिमेंस सेम। अभी बता, जो रेड कलर में आपको दिखा रहा हूँ ना वो पुट ऑप्शन के लिए, जहाँ पे निफ्टी ट्रेड कर रही है वो तो ATM ही रहेगा। लेकिन अब यहाँ पे उल्टा होगा, जो ऊपर की साइड है प्लस वाले, जो पहले कॉल के लिए ATM था वो पुट के लिए ITM हो गया, एंड जो नीचे कॉल के लिए ITM थे वो पुट के लिए ATM हो गए। ये थोड़ा समझना मुश्किल होता है, एक दो बार आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इस पार्ट को, इस वीडियो के इस पार्ट को फिर से दोबारा देख लेना आपको समझने के लिए कि कॉल के लिए ATM क्या होता है, ATM क्या होता है, ITM क्या होता है, पुट के लिए इसका उल्टा होता है। एंड अब इनको समझने की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि अगर मान लो आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं स्पेशली, तो आपको हमेशा ATM या फिर ITM के अंदर ही ट्रेड करना है। अगर मान लो आपको कॉल बाय करना है तो या तो 23,000 का ही कॉल बाय करो, या फिर इसके नीचे वाले बाय करो जो इन द मनी वाले हैं कॉल के लिए। अगर आप पुट बाय करो, आपको लग रहा है निफ्टी नीचे जाने वाली है, तो या तो ATM बाय करो या फिर इसके ऊपर वाले बाय करो, क्योंकि पुट के लिए ये सारे ITM हो जाते हैं। ऑप्शन बाइंग में यही करना होता है। अगर आपने OTM ले लिए, आउट ऑफ द मनी ले लिया ऑप्शन बाइंग के लिए, तो हायर चांसेस है कि आपका पैसा लॉस हो सकता है। बाकी कुछ ऐसे कंडीशन होते हैं जहाँ पे ATM वालों को ज़्यादा प्रॉफिट होता है, लेकिन वो रेड कंडीशन है, उनमें बिगिनर को अभी नहीं पड़ना चाहिए। जो आपको मैंने अभी बोला ना, ये सारे लेवल्स ये है, इनको हम बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, ये भी एक स्ट्राइक प्राइस है, ये की स्ट्राइक प्राइस है, ये भी एक स्ट्राइक प्राइस है। ठीक है, तो आप अब से, आपको कोई बोलेगा कि मैंने 23,000 का स्ट्राइक प्राइस लिया, मतलब आप समझ गए कि हाँ आपने 23,000 का या तो कॉल बाय किया या फिर पुट बाय किया। अगर वो बंदा बोलता है कि मैंने ATM बाय किया, इसका मतलब समझ गए कि आप निफ्टी भी उधर ही चल रही थी, आपने सेम लेवल बाय किया। लेकिन कोई बोलता है कि नहीं मैंने तो कॉल ऑप्शन ATM बाय किया 100 पॉइंट, इसका मतलब आप क्या समझे, शायद निफ्टी मान लो चल रही है 23,000 पे, तो इस बंदे ने 23,100 का कॉल बाय किया, जो कि 100 पॉइंट ATM है, आउट ऑफ द मनी। तो आपको भी यहाँ पे क्या क्या समझ गए, आप समझ गए कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है, आप समझ गए कि ये जो होता है वो सिंपल है, डेरिवेटिव हो गए,
आपको समझ में आया कि कॉल एंड पुट ऑप्शन क्या होता है, आपको समझ में आया कि अब यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस क्या होते हैं, एंड सारे जो कैंडल वगैरह है वो तो मैंने आपको पहले सिखा दिया जो इन्वेस्टमेंट के लिए था। तो कैंडल स्टिक पैटर्न, चाहे वो एक कैंडल से बनना हो या फिर मल्टीपल कैंडल से, वो रिमेन सेम, ठीक है, चाहे ट्रेडिंग के लिए हो या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए। चार्ट पैटर्न्स सबके लिए सेम होते हैं, सबके लिए सेम तरीके से ही काम करते हैं, बस आपको इन वर्ड्स का, इनका मीनिंग आना चाहिए था तो मैं आपको समझा दिया है। अब आपको थोड़ा सा मैं और ऑप्शन सेलिंग थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करता हूँ। तो देखो, फिर से मैं एग्जांपल लेता हूँ, आई थिंक आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया। निफ्टी चल रही है 23,000 पे। अब आपके पास दो ऑप्शन है, यहाँ पे मैं आपको एक एनालिसिस करके दे रहा हूँ कि यहाँ से निफ्टी जाने वाली है ऊपर, ठीक है, 200 पॉइंट ऊपर जाएगी। तब आपको करना है कि आपको प्रॉफिट करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? एक तो हो गया ऑप्शन बाइंग का, ठीक है, एक हो गया ऑप्शन सेलिंग का। आप दोनों करके ही प्रॉफिट कमा सकते हो। कैसे? अगर मान लो आपको लगता है कि यहाँ से निफ्टी ऊपर जाने वाली है, तो आप क्या कर सकते हो, या तो कॉल ऑप्शन को बाय कर सकते हो, ठीक है, आप कॉल ऑप्शन को बाय करोगे, क्योंकि अगर निफ्टी ऊपर जा रही है तो कॉल का प्राइस भी ऊपर जाएगा, ये आप ऑप्शन बाइंग करके प्रॉफिट कमा सकते हो। लेकिन आपको ऑप्शन बाइंग नहीं करनी, ऑप्शन सेलिंग करनी है, तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे, पुट को सेल करोगे। यहाँ पे देखो, ये अलग है, डिफरेंट है, मैं यहाँ पे पुट बाय नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे पुट सेल कर रहा हूँ, सेम है, मैं एनालिसिस सेम बोल रहा हूँ। मार्केट ऊपर जाएगा तो कॉल बाय करोगे तो भी प्रॉफिट होगा, एंड पुट सेल करोगे तो भी प्रॉफिट होगा। सेम उल्टा है, अगर मान लो आपको लगता है कि निफ्टी नीचे आएगी, तो ऑप्शन बाइंग के लिए, अगर आप बाइंग कर रहे हो ऑप्शन, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, पुट को बाय करोगे, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला, क्योंकि जब मार्केट नीचे आता है तो पुट का प्राइस बढ़ता है। लेकिन अगर आपको सेलिंग करना है, आपको बाइंग नहीं करना है, सेलिंग करना है, तो इस कंडीशन में आप कॉल को सेल करना है, ठीक है, ये थोड़ा उल्टा है, देख लो, पुट बाय करना पड़ता है, कॉल सेल करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं फिर से डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। मार्केट ऊपर जाएगा तो आपके पास दो ऑप्शन है, कॉल बाय करो या फिर पुट सेल करो। लेकिन मार्केट अगर मान लो नीचे आ रहा है, तो आपके पास दो ऑप्शन है, पुट बाय करो या फिर कॉल को सेल करो। ये दो तरीके होते हैं, बाइंग सेलिंग, बाइंग सेलिंग। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि मार्केट ऊपर जाता है तो आपको क्या करना पड़ता है, ये दो चीज़ें हैं, मार्केट नीचे आता है तो ये दो चीज़ें हैं। लेकिन सेम चीज़ें, अगर बाइंग करोगे तो कैपिटल बहुत कम लगता है, स्मॉल कैपिटल, लेकिन सेल करोगे तो कैपिटल बिग लगता है। लेकिन कैपिटल ज़्यादा लग रहा है तो इसका बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा है, जिसको हम बोलते हैं थीटा, डीके एंड ऑल, ठीक है, जितने भी ग्रीक्स है वो हम नेक्स्ट एपिसोड में सीखेंगे। आज के लिए आई थिंक ये बहुत है, आप वीडियो को एक बार देखो, दो बार देखो, एंड ज़्यादा स्पीड मत देखो, नहीं तो बहुत सारे वर्ड का मीनिंग छोड़ दोगे, एंड आई थिंक बाद में समझने में थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि जितने भी मैंने आपको टर्म सिखाए मैं आपको हर एक वीडियो में डिटेल में सिखा रहा हूँ। तो मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करूँगा कि बार बार फिर से सेम रिपीट करूँ, क्योंकि मैं बहुत स्लो जा रहा हूँ ऑलरेडी, एंड वीडियोज़ काफ़ी लंबे भी हो जाते हैं, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि स्टार्टिंग जो फर्स्ट टाइम सिखा रहा हूँ तो डिटेल में सिखाऊंगा, ताकि बाद में फिर से आपको कहीं और से नॉलेज लेने की ज़रूरत ना पड़े। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, एंड आपको लगता है कि वीडियो काफ़ी नॉलेजेबल है तो अपने उन फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो जो ऑप्शन ट्रेडिंग में न्यू है, ऑप्शन बाइंग में न्यू है, एंड अपने फैमिली मेम्बर के साथ भी चैनल शेयर कर दो, क्योंकि आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट एंड ऑप्शन ट्रेडिंग सब कुछ फ्री में डिटेल में सीखने को मिलेगा। एंड अगर आपने अभी तक किसी ब्रोकर के साथ अकाउंट ओपन नहीं किया है, तो मैं धन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ पे जाके आप अकाउंट ओपन कर सकते हो अपना ब्रोकर अकाउंट, वो भी बिल्कुल फ्री में, प्लस आपको ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम लाइफ टाइम फ्री मिल जाएगा, एंड आपको एक भी पैसा पे करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल विद जीरो इन्वेस्टमेंट आप अकाउंट ओपन करो, फिर अपना फंड ऐड करके इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेडिंग स्टार्ट करो। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आज ही अकाउंट ओपन कर लो।